गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप दैट यू विल फाइन। आई होप दैट यू हैव सीन माय लास्ट वीडियो अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। टुडे आई विल स्टार्ट द सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमी। यू नो वेरी वेल सम चैप्टर्स आर रिड्यूसेड बट आई विल डिस्कस आफ्टर देम। टुडे आई विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑन द थीम ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस के पहले के पूर्व के बारे में कि व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, व्हाट वाज देयर कंडीशन, हाउ दे डिक्लाइन, what was the factor of the declines of Indian economy, why we are famous in the world for our prosperities, all these factors we will studies in this chapter, and also we read on those circumstances which are responsible for that. Clear? First we start when we ask about the before the independence, we are suffering from the colonial rules. What was the colonial rules and what was the colonial, who is the colonial? What is the meaning of colonial rules? What आखिर ये कॉलोनियल रूल्स है क्या? वी आर स्लेव्स ऑन ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया 200 साल से। आफ्टर द एस्टैब्लिश ऑफ द गवर्नमेंट इन बंगाल प्रेसिडेंसी दे हैव रूल्ड ओवर द इंडिया स्लोली एंड श्योरली दे कैप्चर्ड ऑल द इंडिया। Bengal presidency in that time was a big presidency, and that time Britishers had adopted the many policies according to his advantage of their countries. But what effect of this? Effect of this? Our self economical growth are going to decline. Now we explain about the colonial. Colonial rule, it refers to system between two countries under which one colony being the ruler. Yani one colony being, yani एक जो है वो ruler होता है and other being colony and ruling country determined. यानी ये जो दूसरी जो है वो रूलिंग कंट्री उसे डिटरमाइन करती है कि कौन सी पॉलिसी को बनाने के लिए इन द ऑफिस कॉलोनी उस कॉलोनी में। जैसे ब्रिटिशर्स यहाँ पर आके राज किए, उन्होंने अपने स्टेट को इस्टेब्लिश किया, बट दे वर गवर्न बाई द ब्रिटेन। यानी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी हैज कम टू इंडिया फॉर द बिजनेस for the trade, but when he established their colonies in India, he was governed by the Britain, the king of Britain, because their rules are followed by, their rules are followed by the Britishers in India or the East India companies. So, एक जो supremo वहाँ है Britain, उसके अंडर में एक कंपनी आ रही है जो कि ब्रिटिशर्स के रूल्स को, उनके ऑर्डर्स को, उनकी पॉलिसी को एडॉप्ट कर रही है और वो यहाँ कॉलोनी बताए उसमें उसको लागू कर रही है। दिस टाइप ऑफ रूल्स इज कॉल्ड द कॉलोनियल रूल। ओके, तो ये चीज कहते हैं कॉलोनी। व्हाट हैपेंड जब ये कॉलोनियल रूल्स वर डेवलप्ड इन इंडिया एंड आल्सो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, आवर यानी हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेशन हो गई।
Stagnation means it refers the economy. It refers the economy which is stop or very slow in path of development. And development के जो रास्ते में इकॉनमी आपके स्टॉप हो या बहुत ही धीमी गति से चल रही है, स्टैग्नेशन की कंडीशन। अब ये स्टैग्नेशन आ गया तो पहले तो ये समझना चाहिए कि स्टैग्नेशन किस चीज का, हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसके पूर्व हमारी इकॉनमी की कंडीशन क्या थी 1857 या 1818 के पहले हमारी इकॉनमी की कंडीशन क्या थी। How was our economy? What we do? Why we are famous in the world? Today, our Indian economy before the colonies was very good, very strong economy in the world. We had established with the prosperity. So, more than 85% of population is depend on the agriculture. And 85% population agriculture पे depend थी, यानी हमारा main जो source of income और our जो occupation था वो agriculture base पे depend करता था। हमारे needs पूरी होती थी, only more popular goods the poor for consumption and for the villagers artisans, यानी जो हमारी जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी अच्छी थी कि हम तो सेल्फ कंजम्पशन की तो क्रॉप को डेवलप करते थे और उसके साथ साथ जो उस पर आधारित इंडस्ट्रीज या आर्टिशंस थे वो उनकी भी नीड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जरिए के जरिए पूरी होती थी। लाइक आर्टिशंस डिफरेंट वर्शनमैन वेवर्स क्रॉपमैन गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ एंड सो ऑन दे आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। सारे उस समय तो एग्रीकल्चर इतना हमारे यहाँ सफिशियंट होता था कि वी आर एबल टू पे द टैक्सेस टू द रूलर। Prosperity was spread all over the world. We are called the golden bird. हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था because हमारे पास prosperity थी and handicraft industry was very established. Handicraft industry पूरे world में famous थी। हमारे यहाँ की जो कलाएं थे, architectures, architectures जो थे या structures थे या उसके साथ जो हमारे मेटलरियां होती थी या जो भी वर्क हैंडीक्राफ्ट के होते थे बहुत अच्छे होते थे, स्पेशली टेक्सटाइल्स एंड सिल्क इंक्लूडिंग सिल्क टेक्सटाइल्स की जो हमारी विशेषताएं थी पूरे वर्ल्ड में फेमस थी। यू नो वेरी वेल इन अबाउट द सिल्क साड़ी। इन दैट टाइम सिल्क साड़ी जो बनती थी वो इतनी बढ़िया इतनी हाई क्वालिटी इतनी बढ़िया क्वालिटी की होती थी। यू नो अबाउट द रिंग फिंगर रिंग 5 मीटर की साड़ी इस फिंगर रिंग जैसे कि जो निकल जाती थी। दिस वॉज द स्किल ऑफ आवर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज और आवर एग्रीकल्चर आल्सो वी आर फेमस इन स्पाइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे स्पाइसेस पूरे वर्ल्ड के कोने कोने में जाते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया सेंट्रल पश्चिमी एशिया वेस्टर्न एशिया चाहे सेंट्रल एशिया चाहे क्या अरबियन कंट्रीज हो चाहे कि गल्फ कंट्रीज हो हर जगह हमारे ट्रेड होते थे। यू नो आल्सोलेशन अबाउट हड़प्पा मेसोपोटामिया या मेसोपोटामिया में इन चीज़ों का उल्लेख हुआ था कि हमारे ट्रेड बहुत अधिक डेवलप थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ बैड डेवलप थे, हमारे वहाँ से हमारे यहाँ व्यापार होता था ट्रेड होता था। ये जो प्रीसियस स्टोन्स वगैरह दे कम फ्रॉम द अफगानिस्तान इराक एंड ईरान बड़े बड़े हमारे किंग्स थे डॉक्टर थे अदर ज्वेलरीज। यू नो अबाउट द डायमंड कोनो तो मैनी थिंग्स हैव कम फ्रॉम द आउट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप थी और जो एंजॉय करते थे स्ट्रेट का रहता था पूरे वो प्रॉपर्टीज हर जगह थी वो बहुत अच्छी थी। इस तरह का हमारा डेवलपमेंट था।
लेकिन इतना अच्छा डेक्सटेरिटी गोल्डन बर्ड कहलाने के बाद भी हमें जब कॉलोनियल रूल आया तो हमारे टेलीविजन की कंडीशन क्यों आई, हमारा डेवलपमेंट क्यों रुक गया? पॉलिटिकल रीजन भी है, इकोनॉमिकल रीजन भी है, सोशल रीजन भी है, बट वॉट वॉज द इफेक्टिव ऑन दैट टाइम विच काइंड ऑफ पॉलिसीज हैव मेड टू रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टैग्नेशन. We will studies in further videos कि what was the cause of that stagnation, कि हमारे economy क्यों decline में आई, आखिर हमारी जो economy जो 1930s के साथ थी वो decline कैसे करती चली गई. You will see next video.